Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing very well. So welcome back to my YouTube channel. So if you have not subscribed my channel yet, please do it. I hope you like the video, and if you definitely like after watching this, please do share it to maximum students. Okay, so here is a short introduction about me. Okay, my name is Sajid Ali. Okay, and I'm a BE graduate in civil engineering, but my passion is teaching. Okay, so since it is teaching, so let me teach you today the second part of coordinate geometry. Okay, coordinate geometry. So this is the second part. In the first part, I have explained about the distance formula. Okay, if you have not seen that, वहाँ पे कहाँ पे लिंक दे रखा है मैंने कमेंट सेक्शन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उसका लिंक अवेलेबल है, वो आप वीडियो देख लो. उसमें मैंने कुछ प्रॉब्लम्स भी कराए थे ताकि और अच्छे से समझ में आए आपको. सो आज के इस वीडियो में मैं मेनली आपको सेक्शन फार्मूला के बारे में बताऊंगा. ओके, सेक्शन फार्मूला होता क्या है, उसको कैसे यूज करना है, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, क्योंकि बस इसकी मैं बेसिक्स बताने वाला हूँ आपको. ओके, प्रॉब्लम्स जो होगा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन में सॉल्व करेंगे. ओके, यहाँ पे बस बेसिक क्या है सेक्शन फार्मूला का, और वो फार्मूला है क्या, उसके बारे में हम जानेंगे. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो देखो, डिस्टेंस फार्मूला क्या था हमारा, अगर दो पॉइंट हो किसी भी प्लेन में, समझ लो यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, इसको हम x1, इसको y1 लेते हैं, इसको x2, इसको y2 लेते हैं, ठीक है, कॉमा है बीच में, ये दो पॉइंट्स हैं, राइट. दे कैन बी एनी पॉइंट्स लाइक 2, 3, दिस कैन बी 5, 7, ओके, जो भी दिया रहेगा दो पॉइंट. तो इसके बीच जो डिस्टेंस फार्मूला था वो मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, कैसे फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करके करते हैं सॉल्व इसको, ठीक है. इसके बीच डिस्टेंस अगर ये a है और ये b है, तो ये फॉर्मूला यूज करो तो आपको ए बी का डिस्टेंस पता चल जाता है, ठीक है, ये तो आप जानेंगे. अब इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला. अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है. तो देखो, सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है कब, जब हमें ऑलरेडी दो पॉइंट पता है, ठीक है. अब इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई थर्ड जो अननोन पॉइंट है, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इधर हियर, हियर, हियर और हियर. ओके, सो मान लेते हैं यहाँ पे वो पॉइंट है, ले लेते हैं उसको हम P. हमें उसका वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ से और यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें पता रहेगा. ओके, मतलब P अगर A और B को कट कर रहा है तो कितने रेशियो में, समझ लो ये टोटल अगर डिस्टेंस होता 5, तो या तो ये 2 और ये 3 में कट करेगा, राइट, ये इसको 3 या 2, है ना, तो वो दिया रहेगा, क्या ये रेशियो दिया रहेगा हमें, ठीक है. और पॉइंट नहीं पता होगा, सेक्शन किया ये पॉइंट, अब ये किसी भी जगह पे हो सकता है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे वो हमें पता लगाना है. x और y का वैल्यू अननोन रहता है, x1 y1 दिया रहेगा, x2 y2 दिया रहेगा, तब हमें सेक्शन फार्मूला यूज करना है, वो कैसे होगा आइए वो भी जान लेते हैं. सो देखिए, ये ए बी एक लाइन है जिसको एक पॉइंट पे कट किया गया है, वो पॉइंट हमें अननोन है, समझ लो, तो अननोन वैल्यू को हम एक्स और वाई ले लेते हैं, मतलब एक वैल्यू एक्स है, दूसरा वैल्यू वाई है, ठीक है. और ये रेशियो दिया रहेगा, समझ लेते हैं, इसको एम वन दिया गया है, इसको एम टू, मतलब ए और पी एम वन है, पी बी क्या है, एम टू है, रेशियो, ठीक है. तो एक्स और वाई क्या होगा, एक्स कॉमा वाई क्या होगा, ठीक है, ये पॉइंट्स क्या होंगे, वो होगा एक फॉर्मूला से. तो देखो, वो फॉर्मूला मैं आपको ट्रिक से सिखाता हूँ, आपको उसको याद कैसे रखना है वो मैं बताता हूँ. देखो, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कभी भी पॉइंट्स को एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ भी आप याद रखो, देखो एक्स वन एक्स टू, तो ऐसे लिख लो एक्स वन प्लस एक्स टू, और डिनोमिनेटर में भी लिखो. अब क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो आप, ओके सॉरी, ये x1 x2 नहीं, वो ट्रिक नहीं है, अभी बताता हूँ जी. तो यहाँ पे आप लिखो जी m1 प्लस
एम टू, थोड़ा गैप देखिए, और यहाँ भी लिखो डिनोमिनेटर में एम वन प्लस एम टू, और यहाँ पे भी सेम लिखना है आपको एम वन प्लस एम टू, और डिनोमिनेटर में भी एम वन प्लस एम टू। क्या ये कंप्लीट फॉर्मूला है? नहीं। अब देखो यहाँ पे पहले में x लिखते हैं, दूसरे में y, है ना, क्योंकि पहले x है यहाँ पे y है, तो यहाँ जहाँ m1 होगा यहाँ पर आपको x2 लिखना है, जहाँ m2 होगा वहाँ आपको x1, मतलब m1 into x2 plus x1 into m2 divided by m1 plus m2, ये हो गया x के लिए। और y के लिए जहाँ m1 होगा वहाँ पे y2, और जहाँ m2 होगा वहाँ पे y1 divided by m1 plus m2। अब ये पहले लिखो या बाद में या इसको इधर लिखो वो आपकी मर्जी है। तो ऐसे आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये यूज होता है कोई भी पॉइंट फाइंड करने के लिए इन बिटवीन अ लाइन। ओके, अब देख लेते हैं सम क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो। सो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आपको बस क्वेश्चन समझना है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तो इजिली कर सकते हो। क्या है देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। मतलब एक लाइन है, ठीक है, ऐसा समझ लो। तो ये है 4, -1 और ये है -2, -3। ये क्या दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, मतलब तीन सेक्शन कटा हुआ है, ठीक है, ऑफ ए लाइन सेगमेंट। मतलब ये समझ लो एक सेक्शन ये हुआ, ये दो सेक्शन और ये तीसरा, ये फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन। तो यहाँ पे बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन, मतलब ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट आपको फाइंड करना है। तो आप एक एक करके कर सकते हो। कैसे, देखो ट्राई सेक्शन है मतलब अगर ये वन है, ये भी वन होगा, ये भी वन, तो अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो यहाँ इतना आपको लेना है वन, तो ये दूसरा सेक्शन क्या बन जाता है, ये बन जाता टू, तो आपका एम वन हो जाता वन, एम टू हो जाता कितना टू, तो आपको क्या मिल जाएगा ये वैल्यू एक्स कॉमा वाई मिलेगा। इसको इग्नोर करो, सिर्फ आप इतना देखो कि ये दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, तो ये एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, आपको एक्स वाई फाइंड करना है, तो एम वन वन होगा, एम टू टू होगा, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या करते हैं, दूसरे पॉइंट के लिए, दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, तो आपका देखो अब एम वन कितना हो जाएगा, एम वन हो जाएगा टू, है ना, क्योंकि देखो ये वन और ये वन टू हो गया, और ये अकेला बच गया तो एम टू हो गया वन, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये वाला पॉइंट एक्स वाई, ये सेम एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले सेशन में कराऊंगा। यहाँ देखिए क्या दिया, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई दिस। मतलब दो पॉइंट दिया हुआ है -3, -10 और एक पॉइंट कितना दिया है 6, -8। ये क्या हुए हैं, दे आर डिवाइडेड बाय ए पॉइंट, मतलब ये पॉइंट अब कहाँ है पता नहीं, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ है -1, -6। ये पॉइंट ऑलरेडी दे दिया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है रेशियो, मतलब आपको एम वन एम टू ही सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करना है, एम वन एम टू का वैल्यू पता लगाना है। यहाँ उल्टा दिया है, पहले ये फाइंड करने को बोलते थे एक्स वाई, वहाँ पे ये दिया रहता था, अब उल्टा है एक्स वाई दिया हुआ है, एम वन एम टू फाइंड करना। तो यही फॉर्मूला आपको यूज करके जो मैंने अभी बताया था सॉल्व करना है, मतलब दिस विल बी इक्वल टू दिस, ये जो आया वो एक्स होगा, एंड दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू दिस, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। अगले वीडियो में हम जानेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।